केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति देने के बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह बना हुआ है। कैथल में आज एक निजी संस्था के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि शहर की समाजसेवी संस्थाओं को शिविर आयोजित कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना चाहिए ताकि इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुशल मेहता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। टीकाकरण आप सभी जानते हैं पिछले काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कैथल की जहां तक हम बात करें, जितना टीकाकरण होना चाहिए था उसमें कमी रही, लेकिन अब मुझे विश्वास है जैसे इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं जब इसमें जुड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। हमें गवर्नमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जगह जगह पे जाके सेशंस लगा रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीनेशन लगाई जाए, लोग अवेयरनेस आए लोगों में। तो जितनी ज़्यादा ये इस वैक्सीन लगेगी उतनी ज़्यादा जो डिसीज़ की सिवेरिटी है वो कम होगी। तो जितनी ज़्यादा लोग लगवाएंगे उतनी जल्दी हम कोरोना को मार पाएंगे। तो सबसे लोगों से यही अपील है कि वैक्सीन जहाँ जहाँ पर आपके एरिया में लग रही है वहाँ जाकर लगवाएँ। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए इसको ओपन किया है, ये बहुत बड़ी पहलकदमी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस दोबारा से बढ़ रहा है उसके लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब नागरिक के तौर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। मैंने इंजेक्शन लगवाया और ये सभी लोगों को इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ये राष्ट्रहित के अंदर है, क्योंकि कोरोना जो है अभी देश के अंदर दोबारा से पूरी तरह से फैल गया है। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं इसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सेफ इंजेक्शन है। आज वैक्सीन लगवाई है जो गवर्नमेंट ने, ये 45 साल से आज शुरू की है, ये सबको लगवानी चाहिए, इसी से देश बचेगा, इसी से सब बचेंगे। वैक्सीन लगवाना सबके हित में है, आज मैंने वैक्सीन लगवाई है और सबको लगवानी चाहिए।